मैं सिंगरौली हूं। बड़े बड़े उद्योगों से लेकर बड़ी बड़ी उम्मीदों तक सबको मैंने अपने दिल में जगह दी। कस्बे से लेकर जिले तक और काला पानी से लेकर ऊर्जा धानी तक के लंबे सफर में बदलाव के एक लंबे दौर से गुजरा हूं। तब जाकर हिंदुस्तान के नक्शे पर अपनी पहचान बनाई है मैंने, क्योंकि तरक्की इतनी आसान नहीं होती। कुरुक्षेत्र की लड़ाई तो मैंने नहीं लड़ी, पर भूख, गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, बेरोजगारी, इन दानवों से लड़ना भी किसी महाभारत से कम नहीं था। लक्ष्य नजदीक आता गया, पर न मैं रुका न मैं झुका। मैं तो बस लगा रहा इतिहास के पन्नों पर प्रगति के नए आयाम, नए किस्से लिखने में। तो आइए लेकर चलता हूं अपनी महाभारत की लंबी, दुर्गम लेकिन सफल यात्रा पर। एक समय था जब मुझे लोग काला पानी समझते थे। यहां आना एक सजा माना जाता था। यहां लोगों के लिए न रोजगार के अवसर थे और न ही आय के स्रोत, और ऐसा माहौल गरीबी के दानों को फलने फूलने का पर्याप्त अवसर देता है। पर हर महाभारत में सारथी जरूर होता है जो प्रगति के रथ को सही मार्ग पर ले जाए। मुझे भी ऐसे ही दो सारथी मिले, NCL और NTPC। इन कंपनियों के आने पर वाकई में मैं काला पानी से ऊर्जा धानी हो गया। सवाल इस बात का नहीं है कि हमने कितनी बिजली बनाई, सवाल इस बात का है कि हमने कितने घर रोशन किए, कितने मन रोशन किए, कितनी उम्मीदें रोशन की। जहां लोग रोजगार ढूंढने बाहर जाया करते थे, अब रोजगार ढूंढने बाहर के लोग मेरे पास आने लगे। क्षेत्रीय लोगों के कौशल के विकास के लिए और उन्हें रोजगार के अनंत अवसर प्रदान करने के लिए कौशल विकास केंद्रों ने बखूबी अपनी भूमिका निभाई। हालांकि परिणाम अब भी और बेहतर किए जाने की संभावना बनी हुई है, और हमारा प्रयास बेहतर और बेहतर होता जाएगा। इसी क्रम में रिलायंस, हिंडाल्को, JP और SR आदि कंपनियों के आ जाने से हमारा मनोबल और बढ़ा है। और यकीन मानिए, हर हाथ को काम, हर मन को विचार, ये प्रयास जारी है और तब तक चलेगा जब तक एक भी आदमी बाकी है। गरीबी का एक और पहलू मुझे देखने को मिला, अशिक्षा। एक खून चूसने वाले परजीवी की तरह ये गरीबी की शाख पर पनपता गया और आम आदमी को अंदर से और खोखला करता गया, और न जाने कितनी समस्याओं को जन्म दिया। इन सब से मैंने लड़ाइयां लड़ी, धीरे धीरे पर मजबूती से लड़ता गया। पर जब तक जागरूकता और शिक्षा लोगों का हाथ न पकड़ ले, तरक्की के लक्ष्मण झूले पर चलना संभव नहीं है। इसी क्रम में हर मोहल्ले में सुलभ आंगनवाड़ी और हर गांव में सहज विद्यालयों ने बखूबी सहयोग दिया। इसमें न केवल प्रशासनिक बल्कि सामाजिक संगठनों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया। हम फर्श से अर्श तक का संघर्ष मिलकर कर रहे हैं, और यकीन मानिए, अर्श तक आने तक दम नहीं लेंगे। कुपोषण से निपटने के लिए आंगनवाड़ी में गर्भ में आने से लेकर जन्म के बाद भी बच्चों के सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी निभाई जाती है। हमारे यहाँ गर्भवती माताओं की देखभाल ठीक वैसे ही की जाती है जैसे कोई माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है। इस बात के लिए जागरूक किया गया कि प्रसव चिकित्सालय में ही हो। इसके लिए जननी एक्सप्रेस बिल्कुल माँ की गोद की तरह है, जो अपने बच्चे की हर तकलीफ में हमेशा उसके पास होती है। साथ ही गांवों में भी कुछ महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें प्रसव के लिए प्रशिक्षित किया गया। इसके अलावा 200 बेड क्षमता वाला
जिला चिकित्सालय एवं ट्रॉमा सेंटर निर्माणाधीन है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा ताकि जरूरतमंदों की सही तरीके से सेवा की जा सके। एक जरूरत और थी, बेघर लोगों के सर पर छत देने की, जिसे पूरा किया प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के तहत हमने करीब 83% आवासों का निर्माण पूरा कर लिया है और बहुत जल्दी ही वो दिन भी आएगा जब एक भी दीन नहीं बचेगा बिना घर का, क्योंकि ईंट गारे से तो दीवारें बनती है, घर बनता है उस प्यार से, उस भावना से और उस लगन से जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। और हमारा आपका यही जुड़ाव जन सहयोग में बदल जाता है। दीनदयाल रसोई नाम तो सुना ही होगा आपने। जी हाँ, ये वही योजना है जिसे कई जगहों पर सही तरीके से संचालित ना हो पाने की वजह से बंद कर दिया गया या दुर्गति हो गई। पर ये हमारी मेहनत और जन सहयोग का ही कमाल है कि हमने 5 रुपए में भर पेट भोजन उपलब्ध कराने वाली ये व्यवस्था आज भी जीवित रखी है। देश को स्वच्छ बनाने का जो अभियान हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, हम उसमें कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और हमने शौचालय निर्माण का करीब आधा लक्ष्य हासिल भी कर लिया है। अब यहाँ वो स्थिति नहीं है कि कोई भी कहीं भी कचरा फेंक दे। घर घर जाकर कचरा संग्रहण और नीले हरे डब्बे में कचरे का वर्गीकरण दोनों इतनी दक्ष तरीके से हो रहा है कि कचरे का रूपांतरण बड़े ही आसानी से करके खाद बनाई जा रही है और खेत लहला रहे। वो दिन तो कब के हवा हो गए जब ना उम्मीदी का अंधेरा था, अब पक्की सड़कें, बड़े बड़े कल कारखाने एवं उद्योग, शिक्षित समाज, शांति प्रिय वातावरण, जागरूक जनता, घर घर बिजली, हर मोहल्ले में पानी, हर मन में उम्मीद और उल्लास के चिरागों की रोशनी हमारी पहचान। जय भारत, जय मध्य प्रदेश।